वेलकम बैक यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको बता दें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक तेज वर्षा होने का अनुमान। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इस महीने मानसून की बारिश के सामान्य या फिर कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई है। यूपी, दिल्ली, राजस्थान आदि में आज बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के अनुसार यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। यूपी के इन जिलों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट। यूपी के इन जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार 35 जिलों में अगले 3 दिनों तक जोरदार बारिश होगी। इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया आदि शामिल हैं। विभाग के अनुसार 35 जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कन्नौज, कानपुर शहर, कानपुर देहात, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, इटावा, झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र लखनऊ ने अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले कम दबाव के क्षेत्र बुंदेलखंड के रास्ते यूपी में प्रवेश कर सकते हैं। इससे प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी है। गुरुवार को अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और यह वर्तमान में राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भारी बारिश की वजह से लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर पश्चिम दिशा में धीरे धीरे बढ़ने और फिर उत्तर पूर्व की ओर दक्षिण उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद सहित गुजरात के कई जिलों में बीते कई दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसकी आज भी जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना में भी आज तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में भी आज बारिश की प्रबल संभावना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र के कुमाऊं और आसपास के जिलों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी के मुताबिक देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते अगले कुछ दिनों तक दक्षिण गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता, मॉनसून की ट्रफ लाइन वर्तमान में जैसलमेर, उदयपुर, भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ बंगाल की खाड़ी तक है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए यूएमबी न्यूज़।